नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करेंगे। CBSE के अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट के अंदर आता है। उस यूनिट में चार से पांच चैप्टर बनते हैं। पहला चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर के अंदर जो हमारे लर्निंग आउटकम्स जो होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, उसके अलावा कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा कंप्यूटर की लिमिटेशंस या फिर एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली से चलने वाली एक मशीन कहा जा सकता है कंप्यूटर को, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस ऑन इट, आफ्टर प्रोसेसिंग गिव द डिजायर्ड आउटपुट टू द यूजर। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन कही जा सकती है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर किसी भी डिवाइस को कहा जा सकता है। स्मार्टफोन को भी हम कंप्यूटर कह सकते हैं, वॉशिंग मशीन को भी हम कंप्यूटर कह सकते हैं, डेस्कटॉप को भी कंप्यूटर कह सकते हैं, लैपटॉप को भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग डिवाइसेज होते हैं, वो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब इनकी वर्किंग कैसी होती है, वो है वर्किंग ऑफ दी कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। एक साइकिल होता है जिसका नाम होता है IPO। IPO साइकिल पे कंप्यूटर टोटल वर्क करता है। आई फॉर इनपुट होता है, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट मिलती है, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, फिर कंप्यूटर उसका रिजल्ट या आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड करवाता है। ये टोटली IPO साइकिल होता है, जैसे कि डायग्राम के थ्रू इसमें बता रखा है कि इनपुट यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज़र से कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, प्रोसेसिंग यानी कि उसको हल करता है या उसके ऊपर वर्क करता है, देन उसका रिजल्ट या आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो ये IPO साइकिल की वर्किंग होती है, जैसे कि इनपुट यानी कि एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग में क्या आएगा, मैनिपुलेट्स डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2 × 3 = 6 होता है, तो मीन्स ये 2 × 3 यूज़र ने कंप्यूटर को बोला कि मेरे लिए इसको हल करके दो, यानी कि ये इनपुट हो गई, यूज़र के द्वारा दी गई एक इनपुट हो गई कंप्यूटर को, कि ताकि कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हल करे या उसके ऊपर वर्क करे और फिर आउटपुट दे, यानी कि जो 6 या 7 जो भी आउटपुट आएगी वो आउटपुट दे। अब आउटपुट प्रोड्यूस रिजल्ट और आउटपुट, यानी कि उस रिजल्ट को या इन्फॉर्मेशन को या आउटपुट को यूज़र को दिखाना ही आउटपुट होती है। देन स्टोरेज, अब स्टोरेज क्या होती है, स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन और डेटा कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती है यानी कि वो स्टोर करके रखना लंबे समय के लिए कंप्यूटर का वर्क होता है। जिस प्रकार कंप्यूटर की वर्किंग हमने ये समझी है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO साइकिल के थ्रू, अब ये IPO साइकिल के थ्रू जो भी प्रोसेसिंग या वर्किंग कंप्यूटर की होती है वो किसी ना किसी कंप्यूटर के अलग अलग पार्टों के द्वारा परफॉर्म की जाती है। यानी कि कुछ पार्ट होते हैं इनपुट यूनिट में आते हैं, कुछ पार्ट होते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं, कुछ आउटपुट यूनिट में आते हैं। तो ये इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेज आते हैं। तो वो इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, फर्दर हम इस वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बाद में डिस्कस करेंगे। अब IPO साइकिल की वर्किंग के आधार पे सबसे पहले बारी आती है इनपुट यूनिट की। तो नंबर वन है इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट होता क्या है और इसकी वर्किंग कैसे है, यानी कि जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन, सॉरी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हम देते हैं वो हम इनपुट यूनिट के मदद से प्रोवाइड करवाते हैं। डिपेंड करता है कि उस इंस्ट्रक्शन या डेटा का फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही, उस फॉर्मेट के ही हिसाब से ही
कोई ना कोई इनपुट यूनिट का डिवाइस यूज होगा, कोई भी डिवाइस। फॉर एग्जांपल अभी फ़ोन या कैमरा के अंदर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन के ज़रिए मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो मतलब ये माइक्रोफोन क्या है, एक है इनपुट यूनिट का, एक इनपुट डिवाइस है ये। तो इनपुट यूनिट के अंदर वो चीज़ें सारी आती हैं जो कोई भी उसकी हेल्प से डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि टेक्स्ट के रूप में हमें इनपुट देनी है कंप्यूटर को, तो हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट यूनिट की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा हमें किसी पर्टिकुलर आइकन को, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को पॉइंट आउट करना है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए हम माउस यूज़ करेंगे, तो माउस भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का मैं पहले ही एग्जांपल दे चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर हमें कोई पिक्चर, कोई इमेज स्कैन करनी है हमें, तो उसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनर क्या है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा अगर हमें कोई गेम पॉइंट के ऊपर गेम खेलना है, तो गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग इनपुट डिवाइस के एग्जांपल थे, यानी कि जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये किस में आएंगे, इनपुट यूनिट के अंदर आएंगे। अब आगे करते हैं अपना प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट के बाद में बारी आती है प्रोसेसिंग यूनिट की। सभी प्रकार का डेटा और इंस्ट्रक्शन जो इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को मिलता है, उसके ऊपर सारी की सारी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा की जाती है, यानी कि सीपीयू के द्वारा की जाती है, जिसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली सीपीयू के टू पार्ट होते हैं, नंबर वन इज एएलयू, नंबर टू इज सीयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। अगर हम सीपीयू की बात करें, दो पार्टों में होता है एएलयू सीयू। एएलयू बेसिकली इसका वर्क क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ डेटा, चाहे वो मैथमेटिकल्स हो चाहे लॉजिकल्स हो, कोई भी डेटा है वो ये कैरी करता है, सीपीयू कैरी करता है कंप्यूटर के अंदर। इसके ऊपर सारी की सारी प्रोसेसिंग या वर्किंग एएलयू के द्वारा की जाती है। जहाँ पे बात आती है सीयू की, यानी कि कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। कंट्रोल यूनिट पूरे डेटा सिस्टम को या फिर उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करके रखता है। ये दोनों मेन पार्टों का सीपीयू के वर्क है, एएलयू का और सीयू का, ये प्रोसेसिंग यूनिट का वर्क है। यानी कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस की मदद से या इनपुट यूनिट की मदद से कंप्यूटर के अंदर आता है, उस पर कंप्लीट टाइप की प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा की जाती है। दो इसके पार्ट है, एएलयू और सीयू। एएलयू कंप्लीट प्रोसेसिंग करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, लॉजिकल हो चाहे वो, चाहे सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो, उस प्रकार की इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है। सीयू कंट्रोल करता है कंप्लीट डेटा फ्लो को कंप्यूटर के अंदर। आफ्टर प्रोसेसिंग यूनिट बारी आती है आउटपुट यूनिट की। अब आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, किस काम आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि एएलयू या सीयू के द्वारा डेटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आउटपुट की बारी आती है। अब यूजर को जब आउटपुट रिसीव होती है तो कैसे होती है वो, यानी कि पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग करने के बाद में, जब शुरुआत में इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को इनपुट रिसीव होती है, तब कंप्यूटर या सीपीयू उसके ऊपर कंप्लीट प्रोसेसिंग
करता है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अब वो इंफॉर्मेशन किस कोड में होती है, वो बाइनरी फॉर्म में होती है, बाइनरी कोड फॉर्म में होती है। अब किसी ना किसी पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस पे या आउटपुट यूनिट में उसको यूज़र देख सकता है रिजल्ट को या आउटपुट को। तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो कि आउटपुट यूनिट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि यूज़र को वो पर्टिकुलर बाइनरी कोड की जो इन्फॉर्मेशन बाइनरी कोड के रूप में कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होने के बाद में होती है, तो कंप्यूटर या सीपीयू उसको यूज़र रीडेबल फॉर्म में बदल देता है और बदलने के बाद में आउटपुट यूनिट के पास आती है और वो आउटपुट यूनिट यूज़र को वो आउटपुट दिखाती है। कुछ कॉमनली यूज होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके अलावा प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया। अब जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में देखते वक्त आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब ये आपको स्पीकर की हेल्प से सुनाई दे रही है, तो स्पीकर भी एक क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, आउटपुट यूनिट कैटेगरी में आएंगे। आउटपुट यूनिट के बाद में बारी आती है स्टोरेज यूनिट की। स्टोरेज यूनिट को हम मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, ये मेमोरी यूनिट के अंदर परमानेंट मेमोरी भी आती है, टेम्परेरी मेमोरी भी आती है। जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसका काम क्या होता है, जब सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग चल रही होती है तो वो सीपीयू के साथ में अटैच्ड रहती है, सीपीयू के साथ में टच में रहती है, और वो टेम्परेरी तौर पे बाइनरी फॉर्म में जो प्रोसेस्ड डेटा होता है या अनप्रोसेस्ड डेटा होता है उसको स्टोर करके रखती है टेम्परेरी तौर पे कुछ समय के लिए, और वो इंटरेक्ट रखती है एक्सटर्नल मेमोरी के साथ में भी। एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी के साथ में भी इंटरेक्शन टेम्परेरी मेमोरी की, जो बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस्ड डेटा को स्टोर करके रखती है, उसकी परमानेंट मेमोरी के साथ में भी या एक्सटर्नल मेमोरी के साथ में इंटरेक्शन रहती है, ताकि कोई डेटा जो इनपुट के रूप में कंप्यूटर के पास आया, सीपीयू की हेल्प से उसको प्रोसेस किया और आउटपुट यूनिट की मदद से रिजल्ट प्रोवाइड करवा दिया। इन केस अगर यूज़र लंबे समय के लिए उसको स्टोर करके रखना चाहता है तो वो परमानेंट मेमोरी में या एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखेगा, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी यूनिट की या स्टोरेज यूनिट की बात आती है, उसके अंदर ये एक्सटर्नल और परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी सारी ही आती है। तो टेम्परेरी मेमोरी जो होती है, जैसे कि लाइक रैम, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, तो रैम के अंदर जो डेटा रहता है वो टेम्परेरी तौर पर रहता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, प्रोसेसिंग और अनप्रोसेस्ड डेटा रहता है, वो सीपीयू के साथ में टच में रहती है, अटैच में रहती है, जो भी प्रोसेसिंग करवानी होती है वो उस प्रकार के डेटा को प्रोवाइड सीपीयू को वो करवा देती है। आफ्टर दैट उसके बाद में उसका अटैचमेंट या इंटरेक्शन परमानेंट या एक्सटर्नल मेमोरी के साथ में भी रहता है, ताकि लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करवाना हो तो परमानेंट मेमोरी में स्टोर करवाया जा सके। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट के अंदर, जैसे कि रैम है, ये मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट का एग्जाम्पल है। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी एक स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क है, HDD जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पेन ड्राइव है, ये भी एक स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट का एग्जाम्पल है। रोम है, वो भी एक स्टोरेज यूनिट का एग्जाम्पल है। तो ये इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम 9th क्लास का चैप्टर है वो हाफ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो हमारे टॉपिक्स बचते हैं, लाइक कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स और एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।